हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपका हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव फ्रेंड आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो यस, नॉट वर्थ इट एंड मिसअंडरस्टूड मिसटेकन स्क्रैपिंग। आपके पार्टनर को करंट में ऐसा लग रहा है कि आप जैसे कि उनको वेस्ट मटेरियल समझने लगे हो, अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है। अपने लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है आपके इस बिहेवियर की वजह से। इनको लगता है कि आप इनको हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हो, हमेशा गलत समझते हो। हो सकता है कि आप कहीं पे गए हो, यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर आपको ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री गए हो या फिर आपने सिटी चेंज किया, आपने अपने रहने की जगह चेंज करी, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। ये जैसे कि गॉड को प्रे कर रहे हैं कि गॉड, मतलब ये नहीं होना था, मुझे तो इससे बात करनी थी, मुझे जो कि सब कुछ पहले जैसा करना है, रीयूनियन करना है, मुझे उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है, लेकिन मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये पर्सन जो कि यहाँ से चला जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अगर जहाँ यहाँ पर जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिफ्ट किया है और आपका एड्रेस आपके पार्टनर को पता नहीं, या फिर अगर आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दिया है, ऐसा कुछ भी है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और जो कि आपके पास आने को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज्ड है। सच में क्या आपको ये नहीं चाहिए? अगर ये आपके लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो क्या आप इनको इस तरह से डांटोगे, इनको गुस्सा करोगे, इनको जैसे कि इंसल्ट करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे? ये करंट में इस तरह से सोच रहे, थैंक गॉड यू आर सेफ, आई थॉट आई लॉस्ट यू। ये इस तरह से सोच रहे हैं कि आप मतलब इनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, इन्होंने जो कि आपको हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन जब ये आपको देखेंगे ना, तब जो कि मतलब अपने आप को रिलैक्स फील कर पाएंगे कि यस आप सेफ हो। चांसेस स्ट्रांग है यहाँ पे, या तो आपने नंबर ही चेंज कर दिया है या तो आपने रहने की जगह चेंज कर दी है। यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर वेयर यू आर सेफ। आपके पार्टनर को जैसे कि आपको सेफ रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे, डाउट करते होंगे, जैसे कि इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, तू यहाँ पे क्यों गई, तू मुझे बिना बताए क्यों गई, तुझे ऐसा मतलब कि अगर तू मुझसे कमिटेड है तो तू जा ही कैसे सकती है किसी और के साथ बाहर घूमने के लिए, और वो भी किसी लड़के के साथ। अगर आप कोई लड़की हो तो आपके पार्टनर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है इस तरह की एनर्जीज। आपके पार्टनर को जो कि बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर आपको देख के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक्सपेक्टेटिव है, इनको बहुत उम्मीद है आपसे, ठीक है, ग्रीडी है, लालच है इनको आपका, आपकी जैसे कि बातों का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको अपनाने का। ये इनको जो कि इस तरह से लग रहा है कि जब ये आपको इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर ना आपको इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको लगता है कि मतलब अगर तुझे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर ठीक है ना, आप गुस्से में इनको बोल देते होगे कि तू चला जा, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर भरोसा नहीं है तो फिर रिश्ते में आगे बढ़ने की भी मतलब कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसे कुछ बातें इनको करते तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है और जो कि आपको हमेशा के लिए अपना ही बनाकर रखना चाहते हैं, और जो कि अगर आप इनसे ऐसे कुछ बोलते होगे आप इनके ऊपर, जैसे कि ये आपको कंट्रोल ना करे, आपको जैसे कि जैसा वो बोलते हैं वैसे करने का आपका दिल नहीं करता, आपको लगता है कि मैं जैसा चाहूँ मैं वैसे रहूँ, तो तू मेरी बात सुन, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तुझे मुझे फ्री छोड़ देना चाहिए, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपके पार्टनर जो कि आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, तो ये भी एक एनर्जी, ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, और जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार किससे कौन करता है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। ये इस तरह की एनर्जी करंट पे आप दोनों की, रन फॉर योर लाइफ, ठीक है। आपके पार्टनर जो कि डिस्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस है, एंग्जायटी है, हो सकता है कि आप इनको जो भी बातें बोल रहे हो ना करंट में, वो बातें जो कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत जला रही है, और जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। ए लैक विद इन रिफ्लेक्टेड एज लैक आउटसाइड, इंफेरियर लैकिंग एम्प्टी नीडी सेल्फ डाउटिंग। इनको जैसे कि करंट में अपने आप के ऊपर ही डाउट आने लगा है कि क्या सच में जो आप बोल रहे हो क्या वो सच है, क्या सच में मैं वैसा ही हूँ, और क्या सच में मतलब मैं एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ। ये अपने आप को जैसे कि इस तरह से लॉस्ट फील कर पा रहे, जो कि अपने आप के ऊपर इनको डाउट आने लगा है कि शायद मेरा ये बिहेवियर गलत है, जो कि मैं इसके साथ ऐसा बिहेवियर करता हूँ। ये जो कि मतलब होता है ना, आपको लगता है कि आपके ऊपर भरोसा करे, तो इनको भी यही लगता है कि आप जो कह रहे हो शायद राइट हो सकता है, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा कर क्यों नहीं पाता। ये जो कि आपसे दूरियां बना रहे हैं, भाग रहे हैं, और जो सिर्फ इसी वजह से भाग रहे हैं क्योंकि इनको मतलब ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, जो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को गलत समझना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि मतलब कि आपके साइड से वो सही है, लेकिन इनको लग रहा है ये एक ऐसे पर्सन जो कि कभी अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। तो करंट में जो कि उनको अपनी गलतियां दिखाई देने लगी है, जिस वजह से ये पर्सन जो कि अपने आप को जैसे कि एकदम लॉस फील कर रहे हो, जो कि इनका इस रिश्ते से भाग जाने का दिल कर रहा है। अब इनका प्रॉब्लम यह है कि देखो, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, रोते हैं आपको सोच सोच के, और इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, जैसे कि लालच हो रहा है आपका, आपको टच करना चाहते हैं, कंफेसिंग आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, और जो कि आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको खोकर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इनके आँखों में आंसू हैं और वो चाहते हैं कि आप जो कि इनके इनका ये जो भी बिहेवियर है, उस बिहेवियर में प्यार ढूंढो, और जो कि उनको मतलब उनके प्यार को स्वीकार करो। आप इस तरह से गुस्सा करके उनके ऊपर जैसे कि इस तरह से दिखा कर कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते, ऐसी बातें बोल बोल कर, कुछ गलत बातें, कुछ गलत वर्ड्स इनको ना बोला करो, जिससे कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और करंट में भी इनके आंखों में आंसू आपको याद करके बहुत रो रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की इस वक्त की, ठीक है। आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्कवृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 4272739 6461 6666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो कि आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।